नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सायन। आप देख रहे हैं साइंस ट्यूटोरियल्स। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था जे चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं और उसकी कुछ मेथड सीखी थी। आज हम सीखने वाले जे टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या है? तो एक्चुअली हम एड्रेस के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, जो ज़्यादा बड़े होते हैं, उसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जे टेक्स्ट एरिया। आप देख सकते हो ये जो मेरा पुराना चेकबॉक्स वाला प्रोग्राम है वही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जे टेक्स्ट एरिया हम स्टार्ट करने वाले। तो जे टेक्स्ट एरिया के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्लास है, उसका नाम है जे टेक्स्ट एरिया। उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, TA1। आप यहाँ खुद का नाम भी दे सकते हो, न्यू इक्वल टू जे टेक्स्ट एरिया। तो जे टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया। अब उसके सेट बाउंड्स कर देते, यानी ऑब्जेक्ट डॉट सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स में हम सबसे पहले उसका राइट से पिक्सल्स, यानी कितना दूर रखना है, ऊपर से कितना नीचे रखना है, यानी 30 पिक्सल्स, और उसकी विद और उसकी हाइट 200 200। अब टेक्स्ट एरिया क्या बड़ा है, तो उसकी हाइट और विद दोनों बड़ी रखना, यानी एक टाइप से आप देख सकते हो। तो इसे हम हाइट एंड विद नहीं, उससे अच्छा कॉलम्स और रोज कहेंगे, और कॉन डॉट एड लास्ट में हम कंटेनर में ऐड कर देंगे। कंपाइल एंड रन। आप देख सकते हो हमारे पास हमारा टेक्स्ट एरिया आ चुका है। ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट फील्ड के अंदर मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते। तो ये एड्रेसेस के लिए मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, या डिस्क्रिप्शंस के लिए, या फिर फीडबैक के लिए, वो सब के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट के लिए आपको पता है ये फॉन्ट क्लास है हमारे पास, फॉन्ट का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर तीन पैरामीटर्स में सबसे पहले हम पास करेंगे फॉन्ट का नाम, उसके बाद फॉन्ट की स्टाइल, बोल्ड, इटलिक, जो भी रखना है, मैं यहाँ प्लेन रख रहा हूँ, और बाद में उसकी साइज़। इसके बाद हम ऐड कर देंगे, यानी TA1 डॉट सेट फॉन्ट, और उसके ऊपर हम फॉन्ट सेट कर देंगे F। चलिए चेक कर लेते हैं एंड गो। अब देख सकते हो हमारे फॉन्ट्स बड़े हो चुके हैं। इसके बाद हम पीछे बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही काफ़ी ट्यूटोरियल्स में काफ़ी बार चेंज करके आपको बताया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, या आपको अभी तक तो आ ही गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना, और एक ज़रूर लाइक इसको वीडियो को कर देना।